ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए अमौली के 191वें मेले का शुभारंभ जहानाबाद विधानसभा के विधायक राजन सिंह पटेल ने फीता काट करके और भगवान राम की प्रतिमा का पूजन करके प्रारंभ किया। कार्यक्रम के शुरुआत में मेला कमेटी के अध्यक्ष अवधेश तिवारी द्वारा मुख्य अतिथि को रामचरितमानस भेंट की गई। मेला कमेटी के द्वारा पेयजल, विद्युत एवं सामुदायिक शौचालय की मांग मुख्य अतिथि के सामने उठाई गई। जहानाबाद विधायक ने समस्त संबंधित अधिकारियों से बात करके कार्यों को संपन्न कराने की संस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश विरारे ने किया। मंडी समिति परिसर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा अमौली चौराहे से होते हुए आरसीसी मार्ग से अंदर की गलियों में मस्जिद के पास से होते हुए मेला प्रांगण पहुंची। इसमें अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि के प्रतिरूप तथा साथ में शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण एवं रावण के रथों को भव्य रूप से सजाया गया था। ढोल ताशों के साथ नाचते गाते हुए मेला प्रांगण में पहुंचे, जहां पर राम रावण युद्ध हुआ। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, जिससे उनकी मूर्छा सही हुई। भयंकर युद्ध के बाद रावण मारा गया और अमौली के ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हुआ। यह मेला 20 दिनों तक आगे चलने वाला है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता, देवेंद्र अवस्थी, मेला कमेटी अध्यक्ष अवधेश तिवारी, प्रबंधक जगत त्रिवेदी, महेश देव तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, सुरेश सोनकर, सत्यम त्रिवेदी, राम सेवक त्रिवेदी, आशीष वर्मा, बराती तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। थाना अध्यक्ष किशन सिंह तथा चौकी इंचार्ज अमौली संदीप तिवारी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा। अब किसी को चोट लगी हो तो कहाँ जाए, वो दुकान छोड़ के जा रहा है तो दुकान के गोदाम से पैसे निकल जा रहे हैं। व्यवस्था टेम्परेरी होती है। ओडीआर में हर जनपद पर इसकी योजना प्रस्ताव ग्राम पंचायत से आप कराइए, यहाँ सुलभ शौचालय बनवाया जाएगा। सामूहिक है, सामुदायिक स्वच्छ शौचालय बनाने के हम आश्वस्त करते हैं। और जो मेले की रही बात की, यहाँ पानी की टंकी भी आपने मांग किया है, इसके लिए भी ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्तावित हो, क्योंकि जमीन जो है बिना प्रस्ताव के, क्योंकि अगर मेला कमेटी प्रस्ताव करेगी तो वो निजी प्रस्ताव हो गया, तो निजी प्रस्ताव में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। ग्राम सभा के प्रस्ताव की तरफ से पानी की टंकी की जब प्रस्तावित होगी तो हम लोग जिला स्तर और शासन स्तर से पायल भी करके उसको स्वीकृत कराने का काम करेंगे। तीसरी समस्या आपने इस ग्राउंड की, कब्जे हो रहे हैं, कब्जे क्योंकि अमौली ग्राम पंचायत जरूर है तो ये कस्बा टाइप है, यहां बाजार लगती है और बाजार बहुत बड़ी बाजार है। इसको मैंने सदन के अंदर, जब मुझे आपने विधायक बनाया तो मैंने सदन के अंदर प्रश्न किया कि ग्राम अमौली जहां अधिकतर व्यवसाय कर रहे लोग व्यापारी हैं और वो अभी तक नगर पंचायत के रूप में नहीं परिवर्तन हुआ है, तो हमने मांग किया है, नगर विकास मंत्री जी को भी लिख करके दिया, सदन के अंदर प्रश्न भी किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया, तो हमारा प्रयास है